रहने से और हम लोगों के लिए भर्ती नहीं आएगी तो हम लोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ताला लगाना शुरू करते हैं। एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार, एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार, एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार, शिक्षक भर्ती जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो। क्या हुआ भाई, एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार, एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार, शिक्षक भर्ती जारी करो जारी करो जारी करो, शिक्षक भर्ती जारी करो जारी करो जारी करो, शिक्षक भर्ती देना होगा देना होगा देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा जाना होगा जाना होगा। योगी जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ, योगी जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ, होश में तुमको आना होगा आना होगा आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा जाना होगा जाना होगा। एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार, 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 शिक्षक भर्ती जारी करो जारी करो जारी करो, 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 शिक्षक भर्ती देना होगा देना होगा देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा जाना होगा जाना होगा। एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार, एक लोगों होश में आओ होश में आओ होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ, दीप सिंह होश में आओ होश में आओ होश में आओ, नहीं किसी से भीख मांगते अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते अपना अधिकार मांगते, योगी बाबा होश में आओ होश में आओ होश में आओ, योगी बाबा होश में आओ होश में आओ होश में आओ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो जारी करो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो जारी करो, एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार, एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार। उसका नहीं शिक्षक भर्ती से कोई संबंध नहीं है, फिर भी आपका हमारा साथ देने के लिए तीन दिन से लगातार प्रयास करेंगे चौथा कार्य। एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार, एक दो तीन चार शिक्षक भर्ती दे सरकार, शिक्षक भर्ती जारी करो जारी करो जारी करो, नरेंद्र तिवारी जी हैं जारी करो, नरेंद्र यादव जी हैं आप इस आपके साइन पे चौथा कार्य बजाइए। साथियों ये सब आए मुझे इसकी बहुत खुशी है और मैं चाहता हूँ ये सब जैसे आई ये कम से कम बहुत खुशी की बात है, हमारे घर जाइए हम सब केवल आठ बजे चौथा कार्य बजाइए आप सब पहली राय है, लेकिन देखिए आप सब घर से निकले आप सब घर से निकले एक बार बहन के एक बार जोरदार तालियां बोलो भारत माता की जय, आवाज दो आवाज दो आवाज दो, जय जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए यही बहुत अच्छी खुशी, पता नहीं तो मैं क्या रहा नारा लगाओ तो कोई नहीं मिला, खुशी की बात का भी अभिनंदन है कि रानी लक्ष्मीबाई बंद के खंड पे आती हैं तो बहुत उत्साह वर्धन रहता है, भाइयों का विश्वास पड़ता है। अशोका का क्या कहते हैं प्रताप से आए हुए हैं ये माला वाला, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये साथी हैं इनके जिले के लोग आए, ये जो हमारे साथी हैं ये साथी रजक जी हैं ये सब इतने दूर से आए हैं, इनको देख करके इनके जिले वाले आप सब धरना में आइए, हम सब माला गुलदस्ते के भूखे नहीं हैं, हम सबको शिक्षक भर्ती चाहिए, हम सब तीन दिन से नई शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं आप ही सबके लिए लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को तभी ये माला आपको तभी स्वीकार है, खुशी तभी पहनेंगे जब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलवा लेंगे। तब ये माला हमको शोभा देगा, क्योंकि हमको ये लगेगा हमारा संघर्ष रंग लाया। अभी मैं इसकी समूह से पहनूं, इसको पहनने में हमको इसकी चाहत हो रही है, इसको लेने में भी इसकी चाहत हो रही है, क्योंकि कोई संघर्ष का आयाम निकला नहीं, पांच साल से लाठी डंडा खा रहे हैं, आज तीसरा दिन अनवरत धरना का है,
शरीर अस्वस्थ है लेकिन हौसला टूट नहीं रहा है। वाइस 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 बीच बीच में वाइस नहीं है, बीच बीच में इसमें आ रही, इसमें नहीं है, बारिश हो रही है, हम सब मनोबल नहीं टूट रहा है, वाइस कदर नहीं आ रही। हम चाहते हैं साथियों ये आंदोलन तभी तक चल पाएगा जब आप इस धरना स्थल पर आएंगे, अपना कर्तव्य समझेंगे। आज अनवरत धरना का तीसरा दिन है और इतनी सारी भीड़ है, कितनी सारी भीड़ है और हम सब का हौसला टूट नहीं रहा। मेरे साथी हैं बेचारे दो दिन से रात दिन रुक रहे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं है? 8 लाख लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फेसबुक पर यूट्यूब पर 1,000 लोग लाइव देख रहे हो, 1,00,000 लोग व्यूज देख रहे हो, अरे 1,00,000 देख रहे हो, कम से कम यहाँ पर 800-1,000 की संख्या तो बना के रखो। हम सब का भी हौसला मजबूत रहेगा, प्रशासन दबाव में तब है कि यहाँ पे अनवरत धरने पे बैठे हैं, इस धरने पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हम सबका दबाव है प्रशासन पर, तब बैठे हैं, नहीं यहाँ सैकड़ों धरने चलते हैं, सैकड़ों धरने चलते हैं इस जगह पर, इस धरना स्थल सैकड़ों धरना चलते हैं, लेकिन एक दिन चलिए 5 बजे आपको इस स्थल को खाली करना है तो करना, लेकिन डीएलएड वालों ने जैसे इको गार्डन को उसी प्रकार से रात दिन कब्जा करने के काम हम सब इस जगह पर किया। लखनऊ गए तो बाद प्रशासन ने कहा 5 बजे तक धरना, 5 बजे के बाद धरना नहीं चलता इको गार्डन में। बताइए आप सब तो पूछता हूँ कब कब मैं धरना रखा और रात्रि तक नहीं रुका इको गार्डन में, और आज पत्थर गिरजाघर में भी कील ठोक दिया कि रात दिन धरना चलेगा जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री लिखित रूप से आश्वासन या बेसिक विभाग का अधिकारी नहीं देता। हम सब की एक प्रमुख मांग और जुड़ गई है, अगर राष्ट्रपति जी 8 तारीख को इलाहाबाद में आ रही है, माननीय महामहिम आ रही है, तो हम चाहेंगे इलाहाबाद की प्रशासन 10 सदस्यीय टीम ले जाके मुलाकात करवाए, हम उत्तर प्रदेश की पीड़ा बताएंगे, हम अपनी पीड़ा बताएंगे कि भाई 5 साल से भर्ती नहीं आ रही है और रिक्त पद 1,26,000 खाली है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, फॉरेन कंट्री ने सर्वे किया वाला हूँ बहुत चौंकाने वाला, मैंने आपसे एक चीज करता हूँ, शिक्षा वीर वाली बात कहता हूँ, शिक्षा वीर की शुरुआत हो चुकी है, शिक्षा वीर की शुरुआत हो चुकी है, आज के पेपर में प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई, उसमें लिखा गया है अटल योजना चले जा रहे हैं, पहले आपको शिफ्ट करेंगे एक ग्रुप से बी सेक्शन में, जब बच्चों को बी सेक्शन अच्छा लगने लगेगा एक सेक्शन में बच्चे आएंगे नहीं, जब प्राइमरी में आएंगे नहीं अटल वाले में भागेंगे तो भाई प्राइमरी सीटें खाली होगी तो भर्ती होगी नहीं तो सीधा जो आप संविदा वाले बच्चे पढ़ेंगे और हमको पढ़ाना पड़ेगा। साथियों मुझे इस चीज का भाई से ही हो गया जब हमने अग्निवीर वाली योजना देखी और पता की तभी तुमको संदेह हो गया, ये शिक्षा वीर लाकर ही रहेंगे और हम सब इसको रोकने के लिए हर स्तर से प्रयास करेंगे। टीवी में देख रहे होंगे एक दिन उसकी आत्मा बोलेगी चलो हमारे भाई वहां धरना दे रहे हैं हम सब अधिकार लेंगे। मुझे गर्व है कि मेरे साथी एक परिवार की तरह है, सबको पता है कि मैं डीएलएड को जिस प्रकार से लोग छात्र के रूप में प्रकार में डीएलएड को डिग्री के रूप में रजत सिंह डीएलएड लिख करके अपनी उपाधि देता हूँ। मेरे डीएलएड परिवार गुजारिश है आपकी ताकत आपकी एकता को राजनीतिक पार्टियां जानती है, विपक्षी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, और सरकार में छात्रों को सबसे बड़ा डेलीगेसी है, अगर यहाँ के बच्चे धरने में नहीं पहुंचे लखनऊ क्या अभी बच्चों को जगाओ, अपनी मांग रखो प्रशासन से, प्रशासन से हमारी मांग है
बेसिक स्तर का बेसिक विभाग का कोई शासन स्तर का अधिकारी आए और खुले करे, खुले मंच में बात करे और छात्रों के बीच में बात करे। लोग मुद्दे भटकते हैं, बनाने का भी काम करते हैं। एक एक लोग का व्यक्तिगत फोन आपका भाई बीमार होने के बाद भी उठा रहा है कि आप धरने में आइए। बताइए कि तो खाने पीने में दिक्कत तो क्या बताइए, जितने दिन धरना चला किसी आज भी प्रकाशित किया कि नहीं किया? हम जाते छात्रा मैंने साथी सभी बात रखे इस बात। देखो साथियों, अब ये बहाना नहीं चलेगा कि आपको पता नहीं है कि धरना चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर साथियों तक सूचना पहुंच चुकी है कि प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में धरना चल रहा है। अब ये बहाना नहीं चलेगा। अगर चाहते हो कि हम लोग कुछ बड़ा करें तो आपको संज्ञापन देना पड़ेगा। अब ये 50 की संख्या लेकर के हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग 5 साल से आप लोगों कर रहे हैं, हम आए, हमारे भाई हैं। आप लोगों के ऊपर कोई FIR हुआ अब तक? कोई लाठी चली? जब हम लोग सारा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप हम लोग का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? अब तो ये धरना आपके घर में हो रहा है, प्रयागराज में। 50,000 से साथी, 50,000 से ज़्यादा साथी हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन वो अपने घरों में बैठ कर सिर्फ लाइव वीडियो देख रहे हैं। क्या वे हमारा साथ नहीं दे सकते हैं? हम सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि जो वीडियो देख रहे हो, अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री को भेजो और उसे कहो कि हमारे भाई, हमारे बहन जा कर के वहाँ सड़कों पे सो रहे हैं। अगर तुम उनको मदद नहीं करोगे तो आने वाले चुनाव में तुमको ये जूते वाला धरना पहनाया जाएगा। आवाज दो, ये लगे का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी जी भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। योगी जी भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। योगी जी भक्ति का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। अब मैं अपनी बहन से कहूँगा कि यहाँ से अपनी बहनों के लिए कोई संदेश भेजिए, अपने भाइयों के लिए बताइए। जो छात्रा बहन 3 दिन से लगातार धरने में आ रही है, प्रदेश में एक छात्रा, भाइयों को जगाने का काम मेरे रजत भाई और ये भाई सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी सारी बहनों से बोलना चाहती हूँ कि सभी यहाँ पे आए। बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, बहुत कोचिंग कर ली और बहुत लाइब्रेरी में पढ़ लिया, रूम में पढ़ लिया। अब समय आ गया है साथ में लड़ने का। ये लड़ने का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बोलना चाहते हैं जिले के भैया? एक बार बताइए तो क्या? मेरा नाम शैलेंद्र यादव है और हम प्रताप डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अपने सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि जो लाइब्रेरी और कोचिंग में 35 साल से समय व्यस्त कर रहे हैं धरने में, अगर एक एक दिन काम कर करके सारे लोग आएंगे तो धरना बहुत बड़ा, बहुत काम हो जाएगा। हम जा रहे हैं, अब हम तो भाई के साथ तब तक रहेंगे या तो धरती आएगी, या तो जब तक जहाँ भाई जाएंगे लखनऊ या चाहे जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग उनके साथ बदल से जन्म मिलाते हैं। मेरा नाम सागर सोनी है, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ और मैं एक दो दिन से जब से धरना शुरू हुआ है, मैं भैया अजित भैया हमारी और बीसी भैया और हमारे मित्र राहुल भाई, इन सब के संघर्ष को मैं देख रहा था। और जबकि मैं भी थोड़ा सा सोच रहा था कि पता नहीं जाएंगे, कुछ होता है कि नहीं होता है, मैं बस सोच ही रहा था। फिर मैंने इन लोगों को संघर्ष देखा और देखकर मेरा भी मन एकदम पसीज गया। हम कहे भाई अब हम निकलेंगे और लड़ेंगे अपने हक के लिए और भर्ती लेकर ही आएंगे और भाई भाइयों के साथ यहाँ से दिल्ली चाहे लखनऊ चाहे जहाँ जाना पड़ेगा अब कदम से कदम मिला के चलेंगे। ताली बजाओ भैया, ताली बजाओ। हो गया भैया, आप बताइए कहाँ से आए आप? और कोई बोलना चाहता है? अपना जिला बताइए। भैया हम प्रतापगढ़ से आए हैं, कल हम शाम को वीडियो देख रहे थे आपका, रजत भैया का। शाम को एक दिन पहले आए थे, 2 तारीख को धरने में आए थे, उसके बाद दूसरे दिन के धरने में नहीं आ पाए थे कुछ काम की वजह से, बहुत जरूरी काम था। लेकिन मैं रात को आने के प्रयास किया लेकिन नहीं आ पाया और रजत भैया का धरना देख कर मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैं रात को आने वाला था लेकिन रात में नहीं आया। आपको साथियों से क्या कहना चाहेंगे? साथियों यही कहेंगे भैया आप लोग आइए और शिक्षक भर्ती निकलवा कर जाइए, आप बहुत बहुत पीड़ा हो रही है भैया। आप लोग जहाँ, आपका जिला क्या है? आजमगढ़ है। आजमगढ़ वालों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे भैया जो भी अब
पढ़ाई शढ़ाई जो किए अपना कर चुके, अब निकलिए बाहर, यहाँ पर धरना इलाहाबाद में आइए और धरना कीजिए। आप लोग अपना फर्ज निभाइए, हम लोग अपना दायित्व ईमानदारी से निभा रहे हैं, अपना फर्ज ईमानदारी से निभा रहे हैं। साथियों तक वीडियो पहुंचाना आपका काम है, नहीं पहुंचाओगे तो बहुत होगा कि हमारी लड़ाई कमज़ोर होगी। हौसला तो पहले से ही बना हुआ है, अगर हम मदद करना है तो इतना ही कर दो कि वीडियो पहुँचा दो जो लोग घर हो। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे, अगर ये आंदोलन टूटा फिर सोचना ना कि तुम्हारे लिए कोई हितैषी नहीं है, तुम्हारा कोचिंग वाला, तुम्हारा डायरेक्टर मैनेजर तुम्हारा हितैषी नहीं है, ठीक है। इतना लड़ाई हम लोग अपने ऊपर सारा रिस्क लेकर के FIR मुकदमा लाठी सारा चीज़, यहाँ पे जो साथी आते होंगे धरने में सामने बैठते होंगे उसे पूछो कि हम लोग यहाँ पे है, किसी प्रकार की दिक्कत, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो बताओ। पानी के लिए आप देख लो यहाँ पे पूरा टैंक लगा हुआ, पीछे प्रशासन तरफ से हम लोगों ने पानी की पूरी व्यवस्था कर दी है। यहाँ पे पूरा जगह देखो, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं, यहाँ पे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, पर्याप्त जगह है। आप लोग आइए, संख्या बल रहेगा तो हम लोग कुछ करेंगे। भाई अपना नाम बताएं। अनुरोध यादव, सभी भाइयों से निवेदन है, सब अपने लाइब्रेरी से भाई सब निकलें और नई शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष करिए। ऐसा कुछ ये बताइए कि यहाँ पे हम लोगों के द्वारा कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन आप लोग ये लोग घर से ही नहीं निकल रहे हैं, और क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है यहाँ। अंकित यादव जी कह रहे हैं, विष्णु यादव जी, थैंक यू भाई। नारा वारा सब चलता रहेगा भाई, बट आप लोग आओ, आप लोग हमारी ताकत हो। यहाँ पे संख्या बल रहेगा तो हम लोग कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हो कि धरने पे संख्या बल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन संख्या बल रहता पर्याप्त तो हम लोग कुछ बड़ा करने का कोशिश करते हैं। आप लोगों से एक और निवेदन, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएँ, वीडियो को पहुँचाएँ, क्योंकि और एक अपील और रहेगी कि YouTube मेरा है विष्णु यादव DLED नाम से, उस पर आप लोग सर्च करके जुड़ जाएँ, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि सरकार के द्वारा जो हम लोग नेतृत्व करता है उनकी ID को डाउन कराया जा रहा है, उनके रीच को कम कराया जा रहा है। हम लोग का जो चीज़ें जो पहले हजारों लाखों तक पहुंचती थी, अब वो 100 से भी कम हो जा रही है, क्योंकि सरकार हम लोग के आंदोलन को कम करना चाहती है। मीडिया साथ नहीं दे रही है, लेकिन सरकार हम लोग के जो अकाउंट्स हैं उनको दबाना चाहती है। इसलिए आपसे अपील मैं कर रहा हूँ कि आप लोग ताकत बनिए, एक एक साथी तक भेजिए, जो यहाँ पर इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, जो भी भाई बहन यहाँ तैयारी कर रहे हैं, सबको आप लोग वीडियो का लिंक भेजिए, और कोई भी दिक्कत हो हम लोग का नंबर है जो उनको दीजिए, यहाँ धरने में आए, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ, क्योंकि डाटा 2 GB मिल रहा भाई, इतने में किसी तरह डाटा भी ख़त्म हो गया मेरा, तो साथियों से ही वाईफाई लेकर के किसी तरह हम लोग अपने में मैनेज कर रहे हैं, बैटरी हर चीज़ सब कुछ देखते हुए, क्योंकि रात भर चलाना रहता है आप लोगों के सामने, हर चीज़ अपडेट भी देना रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए हम लोग अपना फ़र्ज निभा दे रहे हैं। आप अपना फ़र्ज निभाओ और वीडियो को पहुंचाओ, यूट्यूबरों को हमारा वीडियो दो, बोलो कि भाई तुम इस वीडियो को अपने यहाँ से अपलोड करो। साथियों आप लोग अपना काम करिए, हम लोग कहना ना पड़े सब चीज़ें, हम लोग को कहने का मन नहीं होता है, लेकिन आप साथ नहीं दोगे तो हम लोग क्या करेंगे। वीडियो को सारों को पहुँचा देना, ठीक है, थैंक यू। हम सब तो और सब उठ नहीं रहा, मेरे साथ ही है, बेचारे दो दिन से रास्ते रुक रहे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं है? 8 लाख लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर 1,000 लोग लाइक देख रहे हो, 1,00,000 लोग व्यूज देख रहे हो, अरे 1,00,000 देख रहे हो, कम से कम यहाँ पर 800-1,000 की संख्या बना के रखो। हम सब का भी हौसला मजबूत रहेगा, प्रशासन दबाव में सब है कि यहाँ पे अनवरत धरने पे बैठते हैं, इस धरने पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबका दबाव है प्रशासन पर, सब बैठे हैं, नहीं यार सैकड़ों धरने चलते हैं, सैकड़ों धरने चलते हैं इस जगह पर, इस धरना सैकड़ों धरने चलते हैं, लेकिन एक दिन के लिए 5 बजे आपको इस स्थल को खाली करना है तो करना है, लेकिन DLED वालों ने जैसे इको गार्डन हो उसी प्रकार से रात दिन कब्जा करने के काम हम सब जगह पर किया। लखनऊ गए थे, प्रशासन ने कहा 5 बजे तक धरना, 5 बजे बाद धरना नहीं चलता इको गार्डन में, बताइए आज सब पूछता हूँ
कब कब मैं धरना रखा और रात्रि तक नहीं रुका इको गार्डन में, और आज पत्थर गिरजाघर में भी ये घोक दिया कि रात दिन धरना चलेगा जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री लिखित रूप से आश्वासन या बेसिक विभाग का अधिकारी नहीं देता है। हम सब की एक प्रमुख मांग और जुड़ गई है, अगर राष्ट्रपति जी 8 तारीख को इलाहाबाद में आ रही है, माननीय महामहिम आ रही है, तो हम चाहेंगे इलाहाबाद की प्रशासन 10 सदस्यीय टीम ले जाके मुलाकात करवाए, हम उत्तर प्रदेश की पीड़ा बताएंगे, हम अपनी पीड़ा बताएंगे कि भाई 5 साल से भर्ती नहीं आ रही है और रिक्त पद 1,26,000 खाली है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, फॉरेन कंट्री ने सर्वे किया, अभी मैं आपको और कुछ चीज बताने वाला हूँ, बहुत चौंकाने वाला। मैंने आप देख चीज करता हूँ, शिक्षा वीर वाली बात कहता हूँ, नहीं कहता हूँ, शिक्षा वीर की शुरुआत हो चुकी है, शिक्षा वीर की शुरुआत हो चुकी है। आज के पेपर में प्रिंट विज्ञप्ति जारी हो गई, उसमें लिखा गया है अटल योजना चलेगी, अभी उस योजना का मैं नाम बता दे रहा हूँ, उस योजना में रिटायर्ड टीचर रखे जाएंगे, रिटायर्ड लोगों को रखा जाएगा, ये तो आउटसोर्सिंग वाला कार्यक्रम है भाइयों, रखने के लिए योगी सरकार कर्म करो, योगी सरकार कर्म करो, ये धीरे धीरे डाइवर्ट कर रहे हैं, एक बैग नहीं ले जा रहे हैं, पहले आपको शिफ्ट करेंगे एक ग्रुप से बी सेक्शन में, जब बच्चों को बी सेक्शन अच्छा लगने लगेगा एक सेक्शन में बच्चे आएंगे नहीं, जब प्राइमरी में आएंगे नहीं अटल वाले में भागेंगे तो भाई प्राइमरी सीटें खाली होगी तो भर्ती होगी नहीं, भर्ती होगी नहीं तो सीधा जहाँ संविधा वाले बच्चे पढ़ेंगे और हमको पढ़ाना पड़ेगा। साथियों मुझे इस चीज का भय 2022 से ही हो गया, जब हमने अग्निवीर वाली योजना देखी हो पता की कभी कम तो संदेह हो गया, ये शिक्षा वीर लाकर ही रहेंगे और हम सब इसको रोकने के लिए हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। सारी पार्टियों के नेताओं को पता है कि इलेक्शन मिशन क्या है, इलेक्शन वो यूनिटी है जिसकी राजनीति पार्टियों से भीड़ कम करने की क्षमता नहीं रखती है, बस देर है अंधेर नहीं, हमारे साथी को जगने की देर है और उनका जगाने का प्रयास यहाँ बैठे हुए हमारे साथी और हम कर रहे हैं। बीमार हो रहे हैं, बारिश की बूंदे खेल रहे हैं, तो इसलिए आज मेरे साथी लाइव देख रहे होंगे, पेपर में पढ़ रहे होंगे, टीवी में देख रहे होंगे, एक दिन उनकी आत्मा बोलेगी चलो हमारे भाई वहां धरना दे रहे हैं हम सब अधिकार लेंगे। मुझे गर्व है कि मेरे साथी परिवार की तरह है, सबको पता है कि मैं डीएलएड को जिस प्रकार लोग चार के रूप में अपने जाति गर्व देते हैं उस प्रकार में डीएलएड को डिग्री के रूप में रजत सिंह गहलोत लिख करके अपनी उपाधि देता हूँ। मेरे डीएलएड परिवार गुजारिश है, आपकी ताकत आपकी एकता को राजनीतिक पार्टियां जानती है, विपक्षी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, और सरकार भी जानती है और पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी जानते हैं कि हमारी पावर क्या है, और इस पावर का उपयोग करिए, अपनी ताकत दिखाइए और बोलिए सरकार से शिक्षक भर्ती दो, नए आगामी चुनाव में पूर्व शिक्षा मंत्री रणधीर सिंह जी भी लिखे जाएंगे, इसलिए आपसे वादा करता हूँ। मैंने बहुत सारे साथी बोले भैया यहाँ नहीं वहां धरने रखो, कोई कहेगा लखनऊ, कोई कहेगा दिल्ली, इलाहाबाद में छात्रों को सबसे बड़ा डेलीगेशन है, अगर यहाँ के बच्चे धरने में नहीं पहुंचे तो लखनऊ क्या पहुंचेंगे, अभी बच्चों को जगाओ, अपनी मांग रखो प्रशासन से, प्रशासन से हमारी मांग है बेसिक स्तर का, बेसिक विभाग का कोई शासन स्तर का अधिकारी आए और खुले मंच में बात करे, खुले मंच में बात करे और छात्र वीर बात करे कि पद रिक्त है तो भर्ती क्यों नहीं दे रहे हो, और लिखित भर्ती का आदेश दो, नहीं कहानी दिलवाने का आदेश के लिए हम सब गंदे मैदान लखनऊ में उतरेंगे।
फैसला करने के लिए अनुरोध करने का तीसरा दिन है। मेरे साथी लगे हुए शिवम जी, ऋषु जी और भी साथी है, धर्मेंद्र जी, लोकुश जी, जो लगे भाई, एक एक लोग रूठे हैं, उनको मनाने का भी काम कर रहे हैं हम। लोग मुझसे भटकते हैं, उनको मनाने का भी काम करते हैं हम। एक एक लोग का व्यक्तिगत फोन आपका भाई बीमार होने के बाद भी उठा रहा है कि आप धरने में आइए। बताइए किसी खाने पीने में दिक्कत हुई क्या? नहीं। बताइए कितने दिन धरना चला, किसी को खाने पीने की क्या व्यवस्था हुई? बताइए। नहीं हुई। किसी को बैठने में दिक्कत हुई? नहीं। प्रशासन से आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं। प्रशासन आता है तो मैं उलझने का प्रयास करता हूँ, कुछ मास्टर को दबाने का प्रयास करता हूँ, आपको आगे आने नहीं देता हूँ। पूरा मीडिया साथ दे रहा है, मीडिया वालों ने गलती किया, मीडिया को ठीक करके आज के विज्ञापन में अच्छे से नहीं दिक्कत करते, मुद्दा उठाया गया कि नहीं उठाया गया? किस पेपर में आपका मुद्दा नहीं उठा बताइए? यूपी तक एपीपी, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला सब ने प्रमुखता से कल भी आज भी प्रकाशित किया कि नहीं किया? साथी सभी बात है, देखो साथियों अब ये बहाना नहीं चलेगा कि आपको पता नहीं है कि धरना चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर साथियों तक सूचना पहुंच चुकी है कि प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में धरना चल रहा है। अब ये बहाना नहीं चलेगा। अगर चाहते हो कि हम लोग कुछ बड़ा करें तो आपको संख्या बल देना पड़ेगा। अब ये 50 की संख्या लेकर के हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग 5 साल से आप लोग कर रहे हैं, हम हमारे भाई हैं, आप लोगों के ऊपर कोई FIR हुआ अब तक? कोई लाठी चली? जब हम लोग सारा रिस्क लेने के तैयार है तो आप हम लोग का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? अब तो ये धरना आपके घर में हो रहा है, प्रयागराज में 50,000 से साथी, 50,000 से ज्यादा साथी हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन वो अपने घरों में बैठ कर सिर्फ वाईपी को देख रहे हैं। क्या वे हमारा साथ नहीं दे सकते? निकलो भाई, निकलो, निकलो घर से। सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि जो वीडियो देख रहे हो, अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री को भेजो और उनसे कहो कि हमारे भाई, हमारे बहन जाकर के वहाँ सबको सो रहे हैं, अगर तुम उनको मदद नहीं करोगे तो आने वाले चुनाव में तुमको ये जूते वाला धरना पहनाया जाएगा। छात्रा बहन 3 दिन से लगातार धरने में आ रही हैं, जो प्रदेश में एक छात्रा है, भाइयों को जगाने का काम मेरे रजत भाई और ये भाई सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी सारी बहनों से बोलना चाहती हूँ कि सभी यहाँ पे आए। बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, बहुत कोचिंग कर ली और बहुत लाइब्रेरी में पढ़ लिया, रूम में पढ़ लिया, अब समय आ गया है साथ में लड़ने का। जिंदाबाद। भैया एक बार बताइए तो क्या रहा था, फिर मैंने इन लोगों को संघर्ष देखा और देखकर मेरा भी मन एकदम पसीज गया। हम कहे भाई अब हम निकलेंगे और लड़ेंगे अपने हक के लिए और भर्ती लेकर ही आएंगे और भाइयों के साथ यहाँ से दिल्ली के लखनऊ से जहाँ जाना पड़ेगा अब कदम से कदम मिला के चलेंगे। ताली बजाओ भैया, ताली बजाओ भैया। आप बताइए कहाँ से आए आप? भैया आप कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर से।
क्या करने कहना ही चाहेंगे कि हमारे जो भी प्रशिक्षित साथी अपने लाइब्रेरी कोचिंग संस्थान में बैठे हुए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो सभी धरने में आए और अधिक बढ़िया विषय लेकर साथ ही ताकि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करें। हाँ भैया, आप लोग आइए। भैया कहाँ से आए आप? हाँ, आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सिद्धार्थ नगर से। ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग आए हैं और पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, घर से आएगा नहीं तो आप इधर उधर घूमते रहेंगे, कोचिंग में जाएंगे, ट्यूशन लेंगे, पैसा देंगे, पढ़ेंगे, फिर भूल जाएंगे चार महीने बाद, फिर याद थोड़ी रहेगा। नहीं नहीं, जब घर से आएगा पढ़ेंगे। आप कहाँ से भैया? ये हम आजमगढ़ से हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि केवल वीडियो ना देखें, पेपर को ना पढ़ें, हमारे धर्म को मजबूती देने के लिए पत्थर गिर जाकर आप लोग आ जाएं। आप लोगों का सहयोग का बहुत यहाँ पे जरूरत हम लोगों को है। आप लोग आएंगे तभी जाकर वैकेंसी आएगी, नहीं तो घर पे बैठे रहिए। नेक्स्ट सीट अपने फिक्स करिए। कह रहे हैं हम लोग साथ में हैं, एक लोग कह रहे हैं हम लोग साथ में हैं। कुछ दिनों बाद आप पे कमेंट किया जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाए, भाई सब यही कंडीशन है। निकलिए भाई, निकलिए आप लोग। अरे भाई, अरे भाई लोग कह रहे हैं प्राउड है, आप प्राउड है बता रहे हैं। बोल भैया, कहाँ से आए भैया आप? गाजीपुर से हैं। क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मैं कहना चाहता हूँ अपने प्रिय मित्रों से, जो भी धरती के लिए इच्छुक हैं, भारी संख्या में प्रयागराज सिविल लाइन में आकर के पत्थर दिया हुआ अपनी जो है कि बात अपनी बात को रखें और अनुभव। हाँ, धरने को सफल बनाए। मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, बिना निवेदन करना चाहता हूँ, जो भाइयों एवं बहनों एक डर से नहीं आ रहे हैं धरने में कि उनको लाठियाँ या पुलिस प्रशासन परेशान करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाठियाँ वाली बात आएगी तो हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं, मुकदमा खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सभी भाइयों से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को आके यहाँ पर उत्साहवर्धन करें, धरने में आए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यही से अपनी वाली को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भैया आप कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी से। क्या कहना चाह रहे हैं? मैदान जंग में आ जाइए। भैया आप कहाँ से? प्रतापगढ़ से। क्या कहना चाहते हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका सहयोग करिए और विज्ञापन जारी हो, लाइब्रेरी और वहाँ जब विज्ञापन आएगा तभी आपको। हम लोगों को प्राउड बोला जा रहा है, कह रहे हैं आप लोगों को प्राउड है, घर से बैठ के बोल रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं जौनपुर जिला से हूँ। हाँ, हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं लाइव बैठ के घर पे या लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे हैं, वो जल्द से जल्द पत्थर गिरजा घर आए और हम लोगों का साथ दें, उन लोगों का जो है कि नई शिक्षा पत्थर का विज्ञापन जारी कराने में सहयोग करें। हाँ भाई लोग आप आगे। आप कहाँ से भाई? हम औरैया से हैं। हम सब जितने भी साथी हमारे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि सब जो भी हमें देख रहा है लाइव धरना स्थल पर पहुँचे, और जितने भी प्रयागराज के हमारे साथी हैं जो सब लॉज में देख लेट के आराम से रेल चलाते हुए देख रहे हैं कि धरने में क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है सनौली से यहाँ तक आने में, 20 रुपये लगेगा ऑटो किराया, आ जाइए आप, धरने की संख्या बढ़ा दीजिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो यहीं काफ़ी जगह पढ़ी हुई, आप अपना कापी किताब लेके आइए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के यहाँ पर संख्या अगर कम से कम नहीं 400-500 होगी तो हम लोग बताओ 50 लड़के लेके कहाँ जाएंगे। अगर अभी यहाँ से हम कहीं जाना चाहें, पूछ करना चाहें कि बेसिक अधिकारी को या बेसिक शिक्षा विभाग में जाना है, धरना देना है, तो 50 लड़के लेके जाएंगे सर, तो प्रशासन पहुँच जाएगा वहाँ पर। हाँ भाई, इसलिए भैया औरैया से हैं, देखिए इतना उत्तर प्रदेश किनारे बॉर्डर से हैं हम लोग, यहाँ प्रतापगढ़ सुल्तानपुर और इलाहाबाद से नहीं आ पा रहे हैं। देखिए रजत भाई बीमार हैं, 3-2 दिन से बैठे हैं यहाँ। आप बताइए कहाँ से हैं भाई? जौनपुर से। क्या क्या कर जौनपुर से? हम जौनपुर सभी साथियों से कहना चाहते हैं,
निकलिए भाई निकलिए, आप लोग बस देखेंगे बस लाइव। कहाँ से हैं भाई? जौनपुर से आए हैं। आपको आपको परेशानी नहीं होती है? लोग कहते हैं